हमेशा हमने त्याग और संघर्ष के बल पर सरकारें बनाई हैं, बिगाड़ी भी हैं सरकारें। और 2022 में पीछे की मांग मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके यूपी चुनाव से पहले नेता जनता के बीच अपने अपने तरीके से पहुंच रहे हैं। वहीं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने लोगों तक पहुंचने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को शिवपाल सिंह यादव ने मथुरा से तो भतीजे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर से रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इस बीच शिवपाल सिंह यादव की रथ यात्रा बाराबंकी पहुंची और बाराबंकी के पटेल त्राहे पर प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का रथ पटेल त्राहे पर पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि सत्ता परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे होंगे। और आज से मैंने लखनऊ से बाराबंकी से होते हुए अब पूरे पूर्वांचल में हमारा ये सामाजिक परिवर्तन करके 2022 के चुनाव में निश्चित सत्ता परिवर्तन करेंगे। तुम लोग आप माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति में, चुप रहो। तो कहीं ना कहीं जो 22 फरवरी नवम्बर को नेताजी का बर्थडे है, उसमें क्या विलय की बात हो रही है या आपको सम्मान चुप रहो। 2012 तक के आप समाजवादी से जुड़े थे, चुप रहो। आप वैसी से एक बड़ी कामयाबी मिली, 10 साल के बाद फिर एक बार फोड़ है, तो कितनी सीट उम्मीद है कि अब गठबंधन हो जाता है और सबके साथ कितनी सीट आ जाएंगे? हमेशा हमने त्याग और संघर्ष के बल पर सरकारें बनाई है, बिगाड़ी भी है सरकारें। और 2022 में पीछे की मांग मत भाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके भैया चुप रहो। भतीजे को बनाएंगे मुख्यमंत्री? हम 2 साल पहले बोलते हैं जी शिवपाल जी, तो आशीर्वाद मिल जाएगा। सम्मानजनक हमारे लोगों को जो हमारे पीछे हैं उनको सीखे मिल जाएंगे और सम्मान शिवपाल जी वो ऐसी।